नमस्कार, मैं हूँ गुलपनाग और आप देखते रहिए अपने प्रिय सिद्धार्थ कनन को इनके YouTube चैनल पे। IPC 420। जी हाँ, इनके शक्ल को देखकर आपको पता चलेगा कि विनय पाठक, रणवीर शौरी, रोहन मेहरा या गुलपना कौन 420 है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भाई, मेरे ग्रैंडफादर विनय पाठक बताएंगे चारों में कौन 420 है। बताइए इसी वक्त। आपने पांचवे का तो नाम ही नहीं लिया भाई। कौन पांचवा? कहने का मतलब ये है कि अभी आप गिना रहे थे कि आप हम सबसे सीनियर हैं, तो सबसे सीनियर 420 आप ही होंगे, और कौन हो सकता है। आपको देख देख के हम बड़े हुए हैं, आपसे काम सीखा है हमने। यार मैं बहुत अपसेट हूं, मुझे बोला गया था कि गुलपनाग बिकनी में मालदीव से इंटरव्यू करने वाली है, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया। गुलपनाग, देखिए मेरे बारे में हर प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं और मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। मैं गुल जी की इस, मैं एक आदर्श भारतीय नारी हूँ और ये जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जो मुझसे शायद आमी नहीं रखती हैं, मुझसे अग्रीमेंट में नहीं है वो लोग, तो ये मेरे बारे में इस प्रकार की अफवाहें फैलाते हैं। मैं एक आदर्श भारतीय नारी हूँ। बहुत साल पहले, जब 25 साल पहले विनय और रणवीर एक शो किया करते थे, मुझे याद है कि लोग कहते थे कि यार विनय और रणवीर यू नो एक साथ नहाते हैं, एक साथ दूसरे की गोदी में बैठते हैं, इन दोनों की शादी होने वाली है, ऐसा बॉन्ड था विनय और रणवीर का। क्या अभी भी वैसे बॉन्ड है रणवीर? टिक मार्क, चेक चेक चेक, यस यस यस, टू थम्स अप। साथ चुके हैं, साथ धो चुके हैं और रूमर्स भी फैला चुके हैं अपनी शादी के। रणवीर मेरे भाई, आपका एक कंप्लेन था कि यार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आपको इतने सारे रोल्स नहीं दे रहे हैं, कठिनाई हो रही है, फिर OTT आया और अब मैं रणवीर शौरी को बार बार देख रहा हूं, एंड हैप्पीली सो, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपको इतना देख रहा हूं। तो फाइनली आपका वो जो गुस्सा था कि यार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हम जैसे लोगों को चांस नहीं दे रही है, वो खत्म हो गया कि अभी भी आप बैटल फाइट कर रहे हैं? नहीं, दैट वॉज फॉर थिएट्रिकल रिलीजेस एंड दैट कंटिन्यूज। आई थिंक एनी, नॉट जस्ट मी, एनी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर विल ट्राई आउट द सेम थिंग। तो आप मुझे वो थोड़ा यू नो, मुझे आप क्रांतिकारी बता रहे हैं, बट फैक्ट इज दैट एनी इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, स्मॉल फिल्म मेकर विल टेल यू द सेम थिंग, दैट यू आर बीइंग एबल टू गेट योर वर्क अक्रॉस, यू नो, योर फिल्म्स अक्रॉस टू द ऑडियंस इन अ थिएट्रिकल environment was very difficult for small films, independent films, is very difficult for small films, independent films. But yes, I think OTT streaming platforms se aane se, at least now there is a, you know, there is a platform for smaller independent players to at least reach the audience. So yes, of course, bilkul mera gussa bilkul khatam ho gaya. और रोहन भाई, मैंने तुमको बाजार में देखा था एंड आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने बैठे हो, इट वाज वेरी अंडरस्टेटेड, सटल परफॉर्मेंस था, ओवर द टॉप नहीं था बिल्कुल मेरी तरह। पर रोहन, ये मुझे बताओ कि उसके बाद आई डिडंट सी यू सो मच ऑन द बिग स्क्रीन, डू यू थिंक उस फिल्म की वजह से एक टैब लग जाता है, अच्छा ये हिट हीरो है, अच्छा इसकी फिल्म नहीं चली, एंड पीपल डोंट रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस, दे रादर सी द बॉक्स ऑफिस नंबर्स? आई थिंक इट वाज अ स्पेशल केस इन अ सेंस, बिकॉज़ आई वाजंट आउट एंड आउट लीडिंग द फिल्म, इन टर्म्स ऑफ द फिल्म वाजंट बीइंग सोल्ड ऑन माय नेम बाय एनी सेंस ऑफ द इमेजिनेशन। आई थिंक द फिल्म वाज बीइंग सोल्ड ऑन व्हाट द स्टोरी वाज, ऑन द एनसेंबल ऑफ एक्टर्स, एंड इन टर्म्स ऑफ नॉट सीइंग मी इन वर्क लेटर, आई थिंक इट्स अ टफ इंडस्ट्री। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे you can be good in your first film, you can be bad in your first film, you still have to struggle, you still have to work. At least for me, that's been the case. I've gone back to you know, trying to look for work, trying to audition. So it's not like, I think, where it may have been before, that you do one film and then you get like a lineup of other films, no matter how good you are. I think Ranveer mere bhai, one thing jo aapke anusar still makes you get upset about the Indian film industry, wo kya hai? I would say the same thing, you know, that is the It's the same like coterie, same club, you know, which kind of controls the top of the pyramid. I think that's the biggest problem. There is, you know, there needs to be more. It needs to be more open to new talent and you know that kind of stuff. I guess. क्या आपको लगता है अच्छे actors like you बहुत हैं ऐसे जो शायद box office opening ना करवाए, पर जब लोग theater में आते हैं आप लोग को देखकर बोलते हैं वाह वाह क्या performance था, epic performance था। क्या कुछ ऐसे एक्टर्स भी होते हैं जो अच्छे एक्टर्स होते हैं पर तब भी उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल होता है? रणवीर,
यार आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ फॉर द फ्यू पीपल दैट आई नो, और उसके बारे में मैं यही कहूंगा आपको, सी इफ यू आर इफ यू हैव द फायर एंड इन योर बेली एंड यू हैव द टैलेंट, नोबडी कैन वाइप यू आउट, बट द पॉइंट इज आई मीन दे कैन स्टिल स्टंट योर ग्रोथ, यू नो दे कैन बॉक्स यू अप एंड यू नो लाइक अ ग्लास सीलिंग और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. So I'm saying that does exist, I feel. That's what I have felt, you know. And that's what I, when you ask me what I think is the thing, I think it is jo ek typical showbiz ka dream hota hai na, the sky is the limit, you know, the stars are yours, go for it. Wo utna hai nahi actually. Wo aap, the sky is the limit, go for the star, and as soon as you reach the stratosphere, some gravity starts pulling you back. Kind of a situation. Rohan, जब तुमने गुल पनाह को देखा, तुम उनके डिंपल्स को देखकर घायल हो गए थे कि नहीं, या फिर विनय पाठक और रणवीर बहुत पोजेसिव हो गए गुल के बारे में और तुम्हें उसे ठीक से मिलने नहीं दिया, क्योंकि ये लोग करते हैं, ये लोग, इनका पुराना षड्यंत्र है कि ये खूबसूरत महिलाओं को अपने दोस्तों से नहीं मिलाते हैं. नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं गुल मैम को पहली बार मिला, she showed me her dimples, I returned and showed her my dimples. तो हमने दोनों उस पे एक बॉन्डिंग हुआ था. माने डिंपल डिंपल आप लोग खेल रहे थे. डिंपल डिंपल खेल रहे थे. तो माने माने कभी दिल धड़का कि नहीं गुल मैम के लिए? Definitely, because I think Gul ma'am is one of the nicest, one of the most intelligent people I've met, and I hope we can remain friends after. You're embarrassing him, Siddharth. Stop. मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ. You're very kind. Me too. All of you. I thought it. समर्थन किस बात का, कि गुल के डिंपल्स अच्छे हैं, कि इन दोनों को सिंपल डिंपल खेलना चाहिए डिंपल डिंपल करके, या फिर गुल मैम बहुत इंटेलिजेंट है, किस बात का? सारी बातें सिद्धार्थ जो आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें नहीं जो आप स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे. अरे सर, मैं जो मन में है मैं बोल देता हूं यार. अच्छा, मैं ऑनेस्टली, हंसी मजाक तो चलता रहता है भाई, बट वेरी इंपॉर्टेंटली, आप सबकी जर्नी, जो नए लोग हैं, मिलेनियल्स हैं, वो बहुत इंस्पायर हो सकते हैं आपके बारे में. तो मैं आपको दो प्रश्न देता हूं, आप यू कैन पिक एंड चूज व्हाट यू लाइक. पहला ये है कि व्हाट इज दैट वन लाइन आपके बारे में जो आपने पढ़ी, जो आपको गलत लगा अपने बारे में, आपको अफेक्ट किया, बट यू बिकेम स्ट्रांग टू हैंडल दैट, या फिर आपके करियर में एक मोड़ आया जहां आपको लगा यार अब मुश्किल हो रही है, मुझे शायद वो काम नहीं मिल रहा है जो मुझे मिलना चाहिए, शुड आई गिव अप एंड मूव फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड, स्टार्टिंग विद रणवीर. द वन थिंग व्हिच वाज सेड अबाउट मी, या आई मीन यू नो आई हैड लाइक सम पब्लिक फॉलआउट्स अर्ली ऑन इन माय करियर, एंड यू नो देयर वाज लॉट ऑफ लाइक शिट अबाउट लाइज अबाउट मी व्हिच वाज लाइक सेड इन द मीडिया, यू नो, एंड या, बट आई मीन आई हैव आउटलिव्ड इट. And literally outlived it. So yeah, I am a firm believer that, you know, no matter how hard it is, eventually truth does prevail. So yeah. अरे बस एक अफवाह आज फैलाने वाले हम लोग सब. एक अफवाह वो ये है कि सिंपल डिंपल आप खेलने वाली है हमारे रोहन के साथ, डिंपल डिंपल खेलने वाली है आप लोग. That note, आप सबको तालियों की गूंज, सब लोग एक साथ बोलो अंगार. अंगार.